गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जाम। माय नेम इज सुतन गुप्ता एंड आई एम योर एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। कल हमने काफी कुछ देखा और जैसे कि आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि सीजीएल 17 से स्टे हट चुका है, तो मतलब अब सीजीएल 18 टाइम पे होगा। तो भाई ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है, चीजें दिमाग में बिठाने की कोशिश करना है। वो कॉन्सेप्ट वाला टाइम गया, अब जितना बताता जा रहा हूँ उसको सुनते जाओ, दिमाग में बिठाते जाओ और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोचने की और सॉल्व करने की कोशिश करो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। हमारे पास एक महीना भी नहीं है, तो ये क्रैश कोर्स है। अभी हम फिजिक्स ले रहे हैं, कुछ दिनों में हमारा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लाइक करते चलो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो। इसके अलावा आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, और हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं विच आर डेडिकेटेड टू ऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम। और आप इस नंबर पे कॉल करके सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। तो आज हम बात करेंगे त्वरण की, वॉट की, और जो चीजें बताता जाऊं सुनते जाना और दिमाग में रखना। तो सबसे पहले आएगी त्वरण, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। थोड़ा आसान शब्दों में बोलूं तो प्रति सेकेंड हमारे वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। उसके बाद को थोड़ी सी बात और बताता हूं इसके बारे में। देखिए थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए कि त्वरण जो होता है ना, इसका मतलब होता है थोड़ी गति से बढ़ते जाना, ठीक है। मतलब अगर ये चलो तो कॉन्स्टेंट नहीं है, बढ़ता जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो यही त्वरण का मतलब होता है। और इसी तरह से आपने सरकारी महकमे में सुना होगा, ऐसा बोलते हैं ना, त्वरित रूप से काम करिए, ये शब्द आपने सुने होंगे। फिर आते हैं दाब का। तो देखिए दाब के बारे में देख लेते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। सीजीएस प्रणाली में दाब का मात्रक 9 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि दाब का मात्रक क्या है। अगर जनरल पूछ ले तो आप उसको पास्कल बोलिएगा, अगर सीजीएस से पूछ ले तो आप उसको 9 बोलेंगे। कल मैंने आपको सीजीएस समझाया था, ठीक है। फिर आगे आते हैं नॉट को देखते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या होती है? तो सर जी वो होती है नॉट। और नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल माइल भी कहते हैं और मील भी कहते हैं। और कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा कि यहाँ यहाँ से क्या बनता है। तो मैंने बता दिया नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल माइल कहते हैं, बेसिकली समुद्री दूरी को देखने के लिए भी कहते हैं। और फिर कैलोरी की जो मापने की इकाई होती है उसे हम सॉरी जो ऊष्मा की होती है वो कैलोरी होती है। फिर आगे आते हैं जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। तो ये याद रखिएगा जूल किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर वॉट और वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा सामर्थ्य विभवांतर ऊष्मा के मात्रक है, ठीक है। तो आपका एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का है। वॉट किसका मात्रक है? सामर्थ्य का है। और कैलोरी किसका मात्रक है? आपका ऊष्मा का। और वोल्ट विभवांतर का। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं वॉट की बात करते हैं। तो हमने सुना है जेम्स वॉट, ठीक है, तो जिन्होंने इंजन बनाया था, तो उनसे रिलेटेड नहीं है ये। तो किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। जैसे आप हो, आप किसी काम को कर रहे हो, ठीक है, तो आप कितनी शक्ति लगाते हो, सामर्थ्य लगा, उसको ही हम क्या बोल देंगे, सामर्थ्य बोलते हैं। काम करने की जो दर होती है, शक्ति लगा रहे हो ना, उसे शक्ति को बोलते हैं, उसे सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है और जिसे हम वाट कहते हैं। और एक वाट बराबर होता है एक जूल प्रति सेकंड, ये याद रखना है। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। तो याद रखिएगा हॉर्स पावर, इसे एचपी नाम से आप देखते होंगे, बाइक कार वगैरह में अक्सर लिखा रहता है इतने हॉर्स पावर का इंजन है, इतने हॉर्स पावर का जनरेटर है, अक्सर आपको दिखता होगा। तो याद रखिएगा क्या होता है, एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो कन्वर्टेबल हो सकता है कि मान लो कि 18 हॉर्स पावर में कितने वाट होंगे, जैसा जनरली क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा ये बातें। चलिए आगे आते हैं और भी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं द्रव्य यांत्रिकी का, तो ये क्या है इसको देख लेते हैं। तो देखिए फ्लूइड मैकेनिज्म इसे बोलते हैं। फ्लूइड मीन्स आपको पता होना चाहिए द्रव्य होता है, इंग्लिश थोड़ी बहुत चलती है।
तो इसके संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम से ध्वनि की चाल ए का अनुपात है। इतना मत सोचो, 20 दिन बस बचे हैं, बस ये सोचो कि वहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। मैच जो मैक है उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। क्या? उच्च वेग को प्रयुक्त प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। और फिर उसके बाद देखिये, तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, तो याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य तो एंगस्ट्रॉम हो गया। फिर उसके बाद जबकि दाब का मात्रक पास्कल होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये सारे पॉइंट हैं, ये वन लाइनर बनते हैं, स्टैटिक समझ के इसको समझते जाओ। फिर आगे आते हैं, एक माइक्रोन का जो होता है वो 10^-6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है एक माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है, तो याद रखिएगा 10^-6। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 10^-6 है इसका मतलब 1/10 की घात 6 या 1/10^-6 होता है क्या, बताइए जरा, देखते हैं। और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यू नो म्यू, म्यू टॉरेंट भी होता है जहां से हम लोगों ने खूब मूवीज डाउनलोड करी हैं, तो ये वो वाला म्यू नहीं है, बट हाँ उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो यहां तक बात याद हो गई, आगे आते हैं। चलिए अब ऊष्मा को देख लेते हैं। तो देखिए ऊष्मा क्या होता है, तो बात करी जाए ऊष्मा, तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर तुम्हें चाय पीनी है, तुम कप में डालते हो तो काफी गर्म होती है और हम उसे एक बार में पी नहीं पाते। मान लो कि इसका जो टेम्परेचर है 80°C है, 90°C है, और जो आपका रूम टेम्परेचर है, कमरे का तापमान है, वो 26-27°C है। अब इसे चाय के कप को कुछ देर रख देते हैं तो ये ठंडा हो जाता है और हम इसे पी सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कप का ताप अधिक था तथा कमरे का ताप था जिससे ऊर्जा चाय द्वारा उत्सर्जित की जाती है और कमरा अर्थात वातावरण द्वारा शोषित कर लिया जाता है। इसी ऊर्जा को ऊष्मा कहा जाता है। बेसिकली जो उसमें कप में थी और ये थी, इसके बराबर आने में मैच करना हुआ, यही आपका ऊष्मा है, ठीक है, जो कमरे द्वारा आपका अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। तो देखिए मैंने आपको चाय का और कमरे का एग्जाम्पल इसी लिए दिया, ठीक है। ऊष्मा का मापन कैलोरी किलो कैलोरी जूल किलो जूल में किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ऊष्मा का मापन किसमें किसमें किया जाता है, सर कैलोरी में भी होता है, किलो कैलोरी में भी होता है, जूल में भी होता है, किलो जूल में भी होता है। फिर वॉट की बात देखें तो वॉट के मापन के लिए उपयुक्त की जाती है। वॉट बराबर 1 J/s होता है और कैलोरी जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल के थ्रू हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। अच्छा ये एक चीज और है जो ऊपर था, माइक्रोन की बात कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया था, तो ऐसे म्यू से दिखाते हैं। तो देखिए एक माइक्रोन बराबर होता है 0.00001 मीटर, ठीक है, या फिर 0.0001 सेंटीमीटर, इसके बराबर होता है। तो ये याद रखिएगा, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1/10,000 सेंटीमीटर, ठीक है, तो और या 1/10^4 सेंटीमीटर इसको कहते हैं, तो याद रखना है। और थोड़ा आगे आते हैं तो दूरी को मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है, मैं आपको कल भी बताया थी ये बात। और 1 km बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है, दिस इज वेरी इजी, और 1 m 100 cm के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं बट फिर भी पता होने चाहिए। आगे आते हैं और भी कुछ चीजों को देख लेते हैं। तो द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयां कौन कौन सी हैं, ये जरूर याद होना चाहिए। ये मतलब बच्चों वाली चीजें हैं, बट कभी ये मत कर देना कि सर हमें नहीं पता, भूल गए ऐसा वैसा। तो देखो द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयां, तो पहला होता है मिलीग्राम, देन माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फैक्टोग्राम। बिल्कुल ये समझ लो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता चला जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गए। तो ये इतनी है द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयों की बात करी जा रही है, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फैक्टोग्राम। तो 1 pg बराबर होता है 10^-12 g, 10^-12 g। 1 μg बराबर होता है 10^-6 g। 1 φg बराबर होता है 10^-15 g। 1 mg होता है 10^-3 g और 1 ng होता है 10^-9 g। अच्छा अब इसको तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और बिलीव मी ये क्वेश्चन बन भी सकता है। वो कह दे एग्जामिनर की द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयों को गिरते हुए क्रम में या उठते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में बताइए क्या होगा।
तो आपको बताना है, तो आपके सामने ये लिस्ट है, ये मैंने आपको दिखा दी, अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं तुरंत, समझ गए कैसे बना। चलिए अब हम बात करते हैं दाब की, कि भाई दाब क्या होता है, अक्सर सुनते हैं और कंफ्यूजन भी हमें रहता है। तो देखिए, किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है, समझ में आया, किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, इंग्लिश में से प्रेशर कहते हैं, प्रेशर लगाते हैं आप किसी चीज पे। दाब एक अदिश राशि है और ये मैंने आपको कल समझा दिया था, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जिसे पास्कल भी कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो बात करी मैंने न्यूटन मीटर, तो ये किस पद्धति के अंतर्गत है, तो एमकेएस पद्धति में इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ये याद रखिएगा, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है एमकेएस पद्धति के हिसाब से, ठीक है। सो अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। आगे आते हैं, अब इसका सूत्र की बात कर लेते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो अक्सर सुना होगा एंड दिस इज वेरी कॉमन। तो देखिए, एक पास्कल बराबर होता है आपका एक न्यूटन मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर भी इसे बोला जाता है। और फिर उसके बाद वायु के दाब की अगर मैं बात करूं, आगे देखें तो वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गैर एसआई मात्रक आपका बार है, जो 10^5 या 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे भी एक चीज बन गई कि वायुमंडलीय दाब को एसआई मात्रक में पास्कल के द्वारा दिखाया जाता है, अगेन एक पॉइंट बना। और एक बार बराबर आपका 10^5 पास्कल होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जैसे गैर मात्रक आपका बनाइए और तो फिर आपका यहाँ बन जाएगा। चलिए आगे आते हैं, और पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर क्यूबिक में नापा जाता है। और देखो एक बात बताता हूँ, बैरल इज वेरी कॉमन, अब अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि वहां पे बैरल में लिखा आता है कि इतना क्रूड ऑयल आया, इतने बैरल क्रूड ऑयल आया, ये रेट चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसलिए मैं हर चीज आपके सामने लिखता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करूं, बोलूं, हर चीज आपके सामने है कि आप खुद देखते जाओ और याद करते जाओ, ठीक है। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अगर बनाना चाहे एग्जामिनर तो कैसे बना देगा, जैसे कि आपको पता है और एक बैरल होता है आया, कि मान लो कि 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल इंडिया ने खरीदा, ठीक है, कितना 50 लाख, बहुत होता है, अच्छा जी, अब वो बोल लेगा कि 50 लाख बैरल में कितने लीटर होते हैं, मतलब तुम सोचते रह जाओ भाई, एक बैरल में होता है 158.9873 लीटर, तो मतलब तुम इसको 159 लीटर मान सकते हो, है ना, अब तुम 50 लाख से मल्टीप्लाई करोगे। अब वो कह दे कि घन मीटर में कर दो, तो अगेन आपको पता होना चाहिए 0.158, तो कुछ नहीं है, घन लगा है मतलब क्यूब वाली बात है, तो 3 दशमलव पहले आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ये जो 3 नंबर है। फिर एक बैरल बराबर 42 US गैलन होते हैं, अब ये यूएस गैलन क्या होते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसको जानने की इतनी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बनते हैं। और जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को, आप NTPC, SSC, CHSL, MTS के पेपर उठा लीजिए, आपको ये कहीं ना कहीं दिखेंगे, लेकिन इतना ढूंढना पड़े उससे अच्छे हम लोगों ने इसीलिए कंपाइल PDF बनाई है इसकी, जिसमें आपको सब कुछ मिलता चला जाए, जो समझाने वाली बातें समझा दें, और टाइम हमारे पास इतना है नहीं। फिर आया एक माइक्रोन, तो एक माइक्रोन होते हैं 10^6 मीटर, तो ये भी बन सकता है कि 10^6 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, ये 10^9 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में आपके 10^-9 मीटर होते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम में आपका 10^-10 मीटर होता है, और एक फर्मीमीटर में 10^-15 मीटर होता है, तो ये पूरा स्टैटिक पार्ट है। और देखो स्टैटिक पार्ट क्यों बोल रहा हूँ बार बार, देखो जो चीजें बदल नहीं सकती उन्हें हम स्टैटिक में बोलते हैं, और कुछ चीजें हैं फिर अब साइंस है थोड़ा बहुत बदल सकता है, बट फिर वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। आगे आते हैं, और फिर अब कुछ और बातें जो कि बनती हैं, तो जल प्रवाह की दर को नापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि जल प्रवाह को कैसे नापा जाता है, तो उसे क्यूबिक फीट प्रति सेकंड से करते हैं। अच्छा, एग्जामिनर तुम्हें कैसे कंफ्यूज करेगा, ऊपर याद है नॉटिकल माइल तुमको बताया था, नॉटिकल माइल अलग के लिए है और जल प्रवाह के लिए अलग है, लेकिन ऑप्शन एक जगह रख देगा एग्जामिनर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा मार्क्स चले जाते हैं। आपको GS अगर तैयार करनी है, मैं सबसे अच्छा तरीका बता सकता हूँ NTPC SSC लेवल पे, हमेशा क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये देखो, टाइम लगता है लेकिन ये
मतलब कभी चीजें भूलती नहीं है। ठीक है, फिर आगे आते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। तो कंप्यूटर के संबंध में बाइट डिजिटल सूचना की इकाई है, तो आपको पता होगा बिट होता है, बाइट होता है, फिर गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये सारी आ गई, फिर टेराबाइट आ गया, तो ये सारा चीजें उसमें होती हैं। तो बाइट एक सूचना की इकाई है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर रिक्टर किससे किसमें नापा जाता है, भूकंप की तरंगों की तीव्रता नापने का गणितीय पैमाना है। ठीक है, अच्छा, बार दाब की इकाई है, अभी हमने बताया, गैर जो होता है, और यह एक इकाई है, और यह 100 किलो पास्कल के बराबर होता है, मतलब 10 की घाते 5। तो अगेन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि 100 किलो को आप गणितीय अक्षरों में बताइए, तो 10 की घाते 5 होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद हम क्यूसेक की बात करें, तो क्यूसेक क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकेंड जल भाव की दर को मापने की इकाई है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे देखते हैं, तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, अगेन अ पार्ट। तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर न्यूज में होता है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन सकता है कि भाई तुम इकोलॉजी वगैरह पे थोड़ा ध्यान देते हो कि नहीं। तो ओजोन परत तो नहीं पूछेगा, सबको पता है कि क्या काम करती है, आपकी जो रेज होती है अल्ट्रावायलेट, उनको रोकने का काम करती है। अब उसको नापा कैसे जाता है, बैठ गए हम सोचने में, अरे लो ये क्या था, बात समझे ना। तो वायुमंडल में ओजोन परत की जो मोटाई है उसे डॉप्सन से नापते हैं, और एक डॉप्सन इकाई मानक ताप तापमान 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट्स हुए। आगे आते हैं, और एक डॉप्सन इकाई 2.69 × 10 की घाते 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इतनी ज्यादा चीजें नहीं पूछा करता, क्योंकि ये बहुत टफ हो जाती हैं, और यूजुअली इनमें गलती करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। चलिए आगे आते हैं, और भी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं अब हम। तो ये रहा मापक यंत्र और आपके पैमाने हैं, तो इनको देख लेते हैं, ये कैसे काम करते हैं, तो या इनको किस किस चीज को कैसे कैसे नापते हैं। तो देखिए, उपकरण है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपका प्रयोग है, और ये इंपॉर्टेंट है। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो भी, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो भी, इवन यूपीएससी यूपीपीएससी पे भी जा रहे हो तो भी, ये आपको पता होना चाहिए। आप नहीं भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जनरल चीजें हैं। ठीक है, कभी जरूरत पड़ गई तो अच्छा वो वाला दे दो, वो जो उससे वो करते हैं, या ऐसी हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो बस इनको सुनते जाओ, हेडफोन लगा लो, सुनते जाओ, किसी काम को कर रहे हो तो भी करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मोबाइल है तो उसको ऑन करके रख दो अपना, इधर उधर टहलते जाओ, ये तुम्हें सुनते सुनते याद हो जाएंगे। और ये होता है ऐसे पार्ट सुनते सुनते, जैसे यूजुअली लोग क्लब में जाते हैं यूपी में अपने साइड, ठीक है, यूपी बिहार में, तो ये वैसा ही वाला पार्ट होने वाला है। तो देखिए, अब आपके सामने आया, ये उपकरण है और प्रयोग है, तो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इनको देख लेते हैं। देखिए, आपका आया अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का यूज होता है, ऊंचाई मापक यंत्र होता है, मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। आप ऊंचाई मापक में इसको ऐसे मत कर देना कि ये बिल्डिंग बनी है और इसकी ऊंचाई नापने के लिए, तो ये आपका क्या है, किसमें यूज होता है, सर ये यूज होता है विमानों वगैरह में। ठीक है, पक्का, चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं एमीटर की, तो आपका एमीटर यूज होता है विद्युत धारा मापक यंत्र है, तो इसको विद्युत धारा को नापने में किया जाता है। फिर आया एनीमोमीटर, तो ये वायु वेग मापी है। फिर एंटीनोमीटर हो गया, तो ये सौर सॉरी तो एंटीनोमीटर का यूज होता है सौर विकिरण मापक में। फिर आपका आया एटमोमीटर, ठीक है, तो ये वाष्पीकरण मापक में होता है, वाष्पीकरण यू नो, जब गर्मी होती है तो वाष्प उत्सर्जन होता है, ऊपर जाता है पानी, तो उसे वाष्पीकरण कह दिया। फिर आया ऑडियोमीटर, तो कहीं ना कहीं तुम समझ गए होगे कि सुनने वाली बात है, मोबाइल हाथ में ऑडियो आ रही है मेरी, तो ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र होता है। फिर आया आपका बैरोग्राफ, तो वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन आपका बैरोग्राफ से होता है, ये याद रखना, ये कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करने वाला यंत्र होता है। कंफ्यूजन होता है इसमें बैरोमीटर से, तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बैरोग्राफ अलग चीज है और आपका बैरोमीटर अलग चीज है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बोलोमीटर, तो इसे बैलोमीटर मत बोलना, काफी सारे लोग इसे बैलोमीटर बोलते हैं, तो दिस इज बोलोमीटर। और बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र होता है। ठीक है, फिर आया आपका कैलिपर्स, तो 11th 12th में जब तुम्हारे प्रैक्टिकल होते रहे होंगे ना, तब तुमने कैलिपर्स देखा होगा। फिर उसके बाद कहाँ यूज होता है, तो वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को नापने वाला यंत्र है, कुछ ऐसा दिखता था अगर याद हो ऐसा, और फिर उसके बीच में देखते थे कुछ गोली वगैरह लगा के हम लोग देखते थे। ठीक
ठीक है, तो ये वहां पे यूज होता है कैलिपर्स। चलिए आगे आते हैं, और भी कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। अब आया आपका कैलोरी मीटर, तो कैलोरी मीटर कहाँ पे यूज होता है, तो देखिए पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र होता है कैलोरी मीटर। अब तुम्हें पता है कैलोरी ऊष्मा से रिलेटेड है, तो तुम इसको पढ़ के भी आंसर दे सकते हो, तुम्हें सारे चारों ऑप्शन भी ना देखने पड़े। फिर आया आपका कार्डियो, कार्डियो सर हार्ट से रिलेटेड होता है, मैं आपको सीधा बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे भी आ गया हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। अब ये याद हो जाता है तो पूछ लेता है ईसीजी क्या होता है, वो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, फिर आया आपका क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर समय का संपूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनाएगा एग्जामिनर कि नाविकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली घड़ी को क्या बोलते हैं, उसे क्रोनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कल मैंने परमाणु वॉच भी कुछ बताई थी, याद है, याद करो ऊपर जाके देख लो एक बार। फिर आया आपका कैलोरीमीटर, नॉट कैलोरीमीटर, दिस इज कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। फिर आया आपका कैथेटोमीटर, तो सीधी सी बात है ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र होता ही है। ठीक है, कैथेटोमीटर का यूज किया जाता है। ऊपर जो मैंने आपका बताया वो प्लेन में था, प्लेन के लिए दूसरा है और बाकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए आपका दूसरा है। फिर आया आपका क्रायोमीटर, ठीक है, सो बोलना भी सीख लो। क्रायोमीटर तो एक प्रकार के थर्मामीटर होता है, जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है, मतलब मान लो कि -30 -40 उसके लिए किया जाता है। फिर आया आपका साइक्लोट्रॉन, तो एक प्रकार का कर त्वरक है जो आवेशित करोड़ की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, सुनते जाओ याद होता जाएगा। ठीक है, इसको वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लो, 2-3 बार सुनोगे याद हो जाएगा। वैसे अगर तुम स्टैटिक जी को सोचने बैठो कि मैं इसको याद कर लूंगा तो नहीं होगा, जहां से रिलेट हो पाता है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज बहुत ही ब्रॉड होता है करंट अफेयर, आपका कवर करना फिर भी इजी है लेकिन नॉट दिस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम कैस्कोग्राफ की। तो सर जी कैस्कोग्राफ क्या होता है, तो ये आपने सुना होगा जब पौधों की वृद्धि की रिसर्च चल रही थी तो उसमें इसको यूज किया जाता है, तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण होता है। अच्छा कोई बताएगा कि भारत के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च करी थी पौधों, क्योंकि पौधों में भी जान होती है, वो भी बढ़ते हैं, तो वो कौन साइंटिस्ट थे बताइए। फिर आपका डिलैटोमीटर, तो और इसको एक्चुअली इंग्लिश में डायलैटोमीटर बोलते हैं, तो पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तनों की मापने वाला उपकरण होता है ये, पदार्थ के आयतन में। ठीक है, फिर आया आपका डिप सर्किल, तो सीधी सी बात तुम इसको समझ सकते हो कि डिप मतलब नीचे जाना होता है। इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण का मान मापा जाता है, डिप एंगल। फिर डायनमो, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एसीडीसी। ठीक है, फिर आया आपका डायनमोमीटर, डायनमो और डायनमोमीटर अलग चीज है। तो डायनमोमीटर जो है वो बल बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। फिर आपका आया इलेक्ट्रो इंसिफिलोग्राफ, ईईजी है नॉट ईसीजी। ठीक है, तो ये मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को नापने वाला यंत्र है, और ईसीजी मैंने आपको बताया वो हार्ट से रिलेटेड है, जो बाकी हार्ट बीट होती है आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में आता था, टू टू होता था और फिर कोई मर जाता था उसमें। ठीक है, तो वहां पे वो ईसीजी यूज होता है। फिर आपका आया इलेक्ट्रोमीटर, तो इलेक्ट्रोमीटर सर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण होता है। फिर आपका आया इलेक्ट्रोस्कोप, तो देखिए इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का प्रयोग जानने वाला उपकरण होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पता लगाने वाला उपकरण हो गया। फिर आपके कुछ और चीजें आई वो रही ये इवैपोरीमीटर, क्या इवैपोरीमीटर, तो वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर, ऊपर एक आया था वो भी इवैपो से कुछ था, वाष्पोत्सर्जन के बारे में था, यहाँ पे वाष्पीकरण ऊपर और नीचे में फर्क है दोनों के नाम में, आप एक बार वापस से उसे देख लीजिएगा। तो वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण क्या होता है, इवेपोरीमीटर। फिर आया आपका एंडोस्कोप, तो एंडोस्कोप देखिए सबकी एंडोस्कोपी होती है, सबकी नहीं होती, मतलब जिसको रिलेटेड पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर कुछ नली वगैरह अंदर डालते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी, और वो जो यूज होता है निरीक्षण करने के लिए वो होता है एंडोस्कोप, ये शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। फिर आपका आया फैदोमीटर, तो देखिए सागर की गहराई मापने की युक्ति आपकी क्या है,
पैदोमीटर, अगेन ये कंफ्यूजिंग है। जो मैंने आपको नॉटिकल माइल्स बताया था वो समुद्र से रिलेटेड था, लेकिन वो गहराई नहीं था, ठीक है, वो अलग था और ये अलग है। ये याद रखिएगा, डिफरेंसिएशन जरूरी होता है। और बिलीव मी, आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में। सी वहां पे वो लोग रिजेक्ट करने को बैठे हैं, सीधी सी बात समझ लो, ठीक है। फिर आगे आते हैं फ्लक्स मीटर। तो फ्लक्स मीटर आपका चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र है। तो हमने इतना कुछ अभी देखा, आई होप तुम लोगों को ये याद हो गया होगा, और ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। मतलब रात में 2 बजे कोई ऐसे जगह ना, हाँ शुभम बताओ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मतलब हाँ विद्युत धारा मापी यंत्र होता है सर, ये होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, समझ लो। तुम्हारे पास 25 दिन है सीजीएल के लिए, एनटीपीसी के लिए 1 से 1.5 महीने, कोई तुम्हारे लिए जॉब नहीं छोड़ने वाला। और तुम्हारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम प्रॉपरली बुक उठाओ, इसीलिए हम लोग 30 से 40 घंटे की सिर्फ साइंस ले रहे हैं, और साइंस सबसे ज्यादा आती है, याद करते जाओ सुनते जाओ। फिर आपका गैल्वेनोमीटर, तो विद्युत धारा मापी यंत्र होता है। फिर आपका ग्रैविमीटर, तो ये गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण मैंने आपको बताया धीरे धीरे वेग बढ़ता है, स्पीड बढ़ती किसी चीज की। फिर आया आपका जायरोस्कोप, तो इसे कोणीय वेग मापक यंत्र करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर गैल्वेनोमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इतनी हिंदी नहीं है साइंस में, ठीक है, जितनी पॉसिबल है उतनी है, लेकिन इतनी हिंदी नहीं है। अब आया आपका जायरोस्कोप बता दिया। हाइड्रोमीटर आया, पानी से रिलेटेड, हाइड्रो वाटर से रिलेटेड होता है, इसको यूज भी किया जाता है। तो द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है। फिर आपका हाइग्रो, देखो हाइड्रो और हाइग्रो में फर्क है। हाइग्रो इज रिलेटेड टू वायुमंडल, तो वायुमंडल की सापेक्षित आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। और ऊष्मा के लिए अलग था, याद करो ऊष्मा के लिए मैंने अलग बताया था, जब कमरे की देखना हो टेम्परेचर से रिलेटेड था। फिर हमने वाष्पोत्सर्जन के लिए अलग बात करी, ठीक है, इवेपोरेशन के लिए अलग बात करी, और फिर हम सापेक्षित आर्द्रता के लिए अलग है। तो देखो सब अलग अलग है, इनको इस तरीके से लिखते जाया करो कहीं पे। फिर आपका आया हाइड्रोफोन, सो अंतर जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है। क्या? हाइड्रोफोन। तो अंतर जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण आया, तो जैसे जानवरों वगैरह की आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा ऐसी आवाज सुनने के लिए करते हैं। फिर आया आपका हाइग्रोस्कोप, यहाँ पे हाइग्रोमीटर था, ये हाइग्रोस्कोप है, और ये क्या बताता है, वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोप। देन आया आपका हिप्सोमीटर, तो दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई मापने वाला यंत्र, ठीक है। फिर आया आपका काइमोग्राफ, अगेन कुछ आपका इंडिकेट करने के लिए होगा। तो देखिए आपका जो काइमोग्राफ है वो आपका विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है। देखो कहीं पे भी ग्राफ लग जाए ना, बस ये समझ लेना ये एक ऐसा बोर्ड है और उसमें ऐसे कुछ ही लोग इंडिकेट कर रहे हैं, ये तो ये ग्राफिंग होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लैक्टोमीटर, दूध से जुड़ा होता है ये, तो दूध की गुणवत्ता को पता लगाने के लिए उसके अपेक्षित घनत्व का मापन करने वाला आपका उपकरण है, ये यूज किया जाता है। जैसे आप अमूल दूध वगैरह खरीदती ना, तो दे यूज लैक्टोमीटर। फिर आया लक्सी मीटर, इट्स नॉट लस्सी मीटर, दिस इज लक्सी मीटर। तो प्रकाश की तीव्रता नापने वाला उपकरण को हम लक्सी मीटर कहते हैं। फिर आपका आया लिसी मीटर, तो वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र होता है। देन आया मैग्नेटोमीटर, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला जो उपकरण उसे मैग्नेटोमीटर बोलते हैं। फिर आया आपका मैनोमीटर, तो मैनोमीटर होता है द्रवों या गैस के दाब का मापन करने वाला उपकरण, ठीक है, डिफरेंसिएशन जरूर याद रखिएगा। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, और अब तुम समझ ही गए होगे इनको सिर्फ सुन के ही क्या जाता है, 4-5 बार सुनना आ जाना और आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आते हैं भाई, मतलब हर साल 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 तो मान के चलो आपको ऐसे मिल जाते हैं जहां पे वो पूछ लेगा किसी ने क्या किया, इसका यूज कहाँ किया जाता है, या माइक्रोफोन का यूज कहाँ किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं और किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब बैंकिंग में भी, SSC में भी, रेलवे में भी, जैसे मैं बोल चुका हूँ। और ये सदाबहार जीके होती है, एवरग्रीन जीके जिससे मैं बोल सकता हूँ। तो माइक्रोफोन की बात कर लेते हैं, तो यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदन में परिवर्तित करता है। फिर आपका है माइक्रोटोम, तो ऐसा यंत्र जो अणु छिद्रवीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। फिर आया आपका नेफोस्कोप, तो बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है। फिर आपका आया ओडोमीटर,
ओडोमास लगाया बचपन में, बच्चे और काटते हैं तो लगाते हैं, तो ये आया ओडोमीटर, तो उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला जो उपकरण होता है उसे हम ओडोमीटर बोलते हैं। फिर आया आपका पेरिस्कोप, तो ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षकों को अपने ये आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला जो उपकरण होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसका यूज और भी कई जगह पे होता है, जैसे इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि में नहीं आते। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका यूज पनडुब्बी में किसका यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा। फिर आया आपका फोनोग्राफ, तो ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग और पुनरुत्पादन करने वाला जो उपकरण है उसे बोलते हैं। देन आपका आया फोटोमीटर, तो प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र हो गया। देन आया पोटेंशियोमीटर, तो किसी सेल के EFM जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण। देन आया पिक्नोमीटर, तो द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र। देन पाई हीलियोमीटर, तो ये हो गया सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र, ठीक है। यहां तक बातें आई होप कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ रहा होगा। आगे आते हैं, और भी बहुत सारे हैं इसलिए पूरी लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं मैं। फिर आया आपके सामने पिक्नोमीटर, ओके। काफी सारे लोग शायद पहली बार नाम सुन रहे हो, तो सर जी पिक्नोमीटर, तो द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है पिक्नोमीटर, ठीक है। और सॉरी विक्रम, मैंने आपको बता दिया, सॉरी फॉर द रिपीटिशन। देन आपका आया पायरोमीटर, तो पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। देन साइक्रोमीटर, तो सापेक्षित आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। रेल गेज जो होता है, रेन गेज, तो वर्षा बर्फ ओला आदि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण, ठीक है। जैसे वो बर्फ गिरती है, बर्फ क्या ओले गिरते हैं, तो उसको इसी मापा जाता है, उसे रेन गेज बोलते हैं, तुम नाम से ही समझ सकते हो इसको। फिर आपका रेडियोमीटर, तो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का जो यंत्र होता है उसे रेडियोमीटर बोलते हैं। देन रिफ्रैक्टोमीटर क्या हो गया, अपवर्तनांक इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मापन करने वाला यंत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, और फिर आपके कुछ और भी हैं, और रहे आपके सामने ये आया सेलिनोमीटर, ठीक है। तो बेसिकली ये विलयन की लवणता को नापने का यंत्र होता है, मतलब कितना सॉल्टी है वो, लवण मतलब नमक होता है। फिर आपका आया सैलरी मीटर, तो सैलरी से कोई रिलेटेड नहीं है, सॉल्टी मीटर, तो सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र होता है। देन सैक्रीमीटर, तो किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन आपका सैक्रीमीटर। देन सेक्सटेंट, तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण होता है जिसे सेक्सटेंट बोलते हैं। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए, मतलब सीधे अर्थ के बाहर की बात हो गई। फिर होता है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर, और ये इंग्लिश में भी काफी वर्ड आता है ग्रामर में, तो ये आपका रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण होता है। और आपका स्टेथोस्कोप, ये हृदय गति को सुनने में प्रयुक्त होता है। ये तो बहुत ही कॉमन है, मतलब अगर तुम ये गलत कर रहे हो ना तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अब इतना तो हॉस्पिटल सबका जाना लगा ही रहता है, हम थोड़े से बीमार हो जाए डॉक्टर सबसे पहले ये लेके आते हैं। खैर, आई होप ये सारे तुम्हें मेरे दिमाग में बैठ रहे होंगे। देखो इनको समझा तो नहीं जा सकता, सीधी सी बात है, आप याद ही कर सकते हैं, और अभी और भी बहुत सारे हैं, तो बस सुनते जाओ, 3 4 5 बार सुनोगे याद हो जाएगा, ठीक है। और ये आते हैं तो मैं बोल ही चुका हूं। अब आपका आया स्पीडोमीटर, तो बाइक वगैरह में आपके लगा रहता है ना, किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला, इवन जो बॉलर्स होते हैं ना, उन जो बॉलर्स होते हैं बॉल करते हैं, वो भी स्पीडोमीटर का यूज करते हैं अपनी स्पीड को देखने के लिए। फिर आगे आते हैं टैकोमीटर, तो वस्तुओं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल विमान आदि में किया जाता है। फिर आपका आया विस्कोमीटर, तो विस्कोमीटर किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र है। फिर आपका आया विंड वेन, तो ऑफ कोर्स पवन से रिलेटेड होगा, हवा से रिलेटेड, तो पवन की दिशा मापक यंत्र होता है। देन पॉलीग्राफ, जूट का पता लगाने वाला यंत्र, वो आप देखा होगा ना, एक स्टार प्लस में एक सीरियल आता था जिसमें पता लगाते थे झूठ बोल रहा है कि ये सच बोल रहा है, सच का सामना एक आता था। फिर आपका आया गायरोस्कोप, तो गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति मापने का, जैसे लट्टू होता है उस लट्टू को गति मापने का यंत्र होता है। देन आपका आया काइमोग्राफ, इवन लट्टू बस की बात नहीं करूंगा, जैसे अभी तूफान वगैरह भी आता है तो उसमें भी यूज कर लिया जाता है।
देन काइमोग्राफ हो गया, तो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र होता है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन। सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ आपका हो गया भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ठीक है। अच्छा, और उसको वो रेक्टर स्केल क्या होता है कोई बताएगा? फिर आया आपका रेक्टर स्केल, नीचे ही है, तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो पैमाना होता है उसे रिक्टर स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों का यूज होता है, ठीक है, वो पैमाना है और वो यंत्र है, ये फर्क है। को एग्जामिनर तुम्हें दोनों दे दे ऑप्शन में, और तुम बैठे हो, अच्छा मैंने तो रिक्टर स्केल सुना है, मैं लगा दूंगा, और तुमने लगाया, तुम्हारे नंबर गए। चलिए, लक्स मीटर है, तो आपका पता ही है, ऐड आता था इसका साबुन का, तो प्रकाश की तीव्रता नापने वाला यंत्र हो गया आपका लक्स मीटर। और फिर आपका आ गया ब्यूटीरोमीटर, तो ब्यूटीरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने वाला जो उपकरण होता है उसे ब्यूटीरोमीटर बोलते हैं। लैक्टोमीटर अलग है और ब्यूटीरोमीटर अलग है, ठीक है सर, पक्का? यहां तक समझ आ गया, याद हो गया, तो चलिए आगे आते हैं। अब ये कुछ और बातें जो आप लिखते जाइए जल्दी से। तो देखिए, समुद्र के भीतर छुपी हुई वस्तु पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, ठीक है। अब सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें पराशव तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है, सीधी बात समझो, वेव को समुद्र के भीतर भेजा जाता है, अंदर भेजा जाता है, और परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों की वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं, ठीक है। कैसे काम करती है जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, बस ये पता लगाओ किसको यूज किया जाता है। उसके बाद सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है, नेवी वगैरह इसका यूज करती है, ठीक है। फिर आया आपका टैक्योमीटर, तो टैक्योमीटर एक तरह का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबन, उन्नयनों और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। फिर आपका पायरोमीटर आया, तो पायरोमीटर पूर्ण विकिरण उत्मापी, टोटल रेडिएशन पैरोमीटर बोलते हैं इसको, तो की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा है, जैसे मान लो कि सूरज ही हो गया कह लो, जो ताप मापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं तथा सूर्य आदि के तापमान का मापन किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो याद रखिएगा, पैरोमीटर का यूज बहुत हाई टेम्परेचर, और बहुत हाई टेम्परेचर मतलब सूरज, ठीक है, पक्का? चलिए आगे आते हैं। अब छोटी सी बात और, इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। तो देखो, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए क्यों किया जाता है? तो उसका जो का आंसर बनेगा वो ये, क्योंकि ये ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है, ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ याद करने वाला था, तो रखते हैं आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई शेयर करो, स्टडी फॉर एग्जाम को सपोर्ट करो हमें ग्रो करने में, और आपको कोई भी क्वेरी है तो जरूर आप हमें टेलीग्राम पे बता सकते हैं, हमारे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, पूरी सीरीज पड़ी हुई है इंग्लिश ग्रामर की, मैथ्स भी चल रही है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक महीने बाद आपका पेपर है, आप पूरी इंग्लिश ग्रामर देख लो 40 घंटे में, दैट्स माय प्रॉमिस, आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छे लेवल पे चली जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल, टिल देन गुड नाइट।